सम्मान से बात कर रही थी। कल वो आएगा मुझे लेने के लिए, तुम भी साथ चलना। अगर अरसलान भाई से कहने तो तुम उनसे कह दो, वो तुम्हें लेने आ जाएंगे। मायरा, तुम दादी की बातों को लेकर दुखी हो? अभी तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा मसला है, मेरे मसले को लेकर परेशान हो के मुझे शर्मिंदा मत। मायरा, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। मुझे सब कुछ अरसलान को सच सच बता देना चाहिए और ये बात उनको किसी और से नहीं, मुझसे ही पता चलनी चाहिए। मगर मायरा, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन मायरा, अरसलान को बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं जब उनको ये बात बताऊंगी कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मैं उनको कभी नहीं दे सकती, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। मेरा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत डर लग रहा है। तुम प्लीज मुझे बताओ, मैं अरसलान को ये सब कैसे बताऊं? इस बारे में कोई मदद नहीं कर सकती मैं तुम्हारी, मैं कुछ कहना भी नहीं चाहती अब। विशाल, वो तुम्हारे शोहर हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि उनसे कब, कहाँ, कैसे, क्या बात करनी है और ये बात उन्हें कैसे बतानी है, इसका फैसला तुम खुद करो। अरे अरसलान, तुम भी लो ना कुछ। जी जी। क्यों, बिस्किट नहीं पसंद तुम्हें? ये बताओ, ब्राउनी खा लो। सही सही। हमसे नाराज होकर मत जाना बेटा। मैं नाराज होकर नहीं जा रही, बस दुआ करें कि ऐसा वक्त आए कि मुझे एक दिन के लिए भी मैके वापस ना आना पड़े। ऐसा मत कहो मायरा। चलें सलमान। हाँ जहीर सीब, चलो। अरे चल। रुक जाओ भाई, मेरी वाली तो तैयार होकर आ जाए। नहीं तो वो भी आ गए, अब चलें। हाँ ओके नानी, अल्लाह हाफिज। जीते रहो। थैंक यू नानी। अल्लाह हाफिज बेटा। आ जाओ, स्टार्ट करो। आ जाओ। अल्लाह हाफिज। हाफिज। आप लोग चाहें तो किसी दूसरे डॉक्टर से भी सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या है, आप प्लीज खुलकर बताएं। बात दरअसल ये है कि मिशाल कभी माँ नहीं बन सकती। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है कि आप कभी माँ ही नहीं बन सकती। अब तो आप जैसी औरतों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं।
तसल्ली रखिए, अल्लाह बेहतर करेगा। अरसलान प्लीज उठे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरसलान क्या हुआ, क्या टाइम हो रहा है? अच्छा, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। सलाम, मैं डॉक्टर के पास गई थी, उसने मुझे बताया कि मैं कभी मार नहीं हंस। क्या आप इस हार पर मुझे कबूल करेंगे, मेरा साथ क्यों नहीं छोड़ते? मैं छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जो औरत मुझे बच्चे नहीं दे सकी, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। मुझे छोड़ना पड़ेगा तुम्हें।